और मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी भी किस्मत आजमा रही है और जबलपुर में आज ओवैसी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। एमपी में नगर निकाय का चुनाव चरम पर है और ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने किस्मत आजमाने के लिए मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारा है। निकाय चुनाव के मिशन के तहत AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज जबलपुर आने वाले हैं, जहां पर ओवैसी एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें ओवैसी नगर निगम चुनाव में अपने पार्षद उम्मीदवार के लिए वोटों को साधने की कोशिश करेंगे। ओवैसी जबलपुर के रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड में सुब्बा शाह मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जबलपुर में ओवैसी के कार्यक्रम को लेकर पार्टी ने इसकी जानकारी भी दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पार्टी के कई कार्यकर्ता नगर निगम चुनाव के पार्षद के लिए खड़े हुए हैं। उनके ही समर्थन में ओवैसी पहली मर्तबा जबलपुर में कोई सभा को संबोधित करेंगे। एमपी में नगर निकाय चुनाव दो चरणों में है। पहला चरण 6 जुलाई और दूसरा चरण 13 जुलाई को होगा। पहले चरण के नतीजे 17 जुलाई और दूसरे चरण के नतीजे 18 जुलाई को घोषित किए जाएंगे।